हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है आबिद एके एंड वेलकम टू टेक्सोर। अगर आपको आपके कॉल लॉग्स में यहाँ पर कॉन्टैक्ट्स के नाम शो नहीं हो रहे हैं, सिर्फ नंबर ही लिखकर आ रहा है, अगर आपको किसी के भी नाम नहीं शो हो रहे हैं, तो यहाँ पर मैं आपको उसका सलूशन बताने वाला हूँ। वीडियो पूरी और बिल्कुल ध्यान से देखती रहिएगा। देखिए, यहाँ पर मैंने इससे पहले भी वीडियोस बनाई हुई है, लेकिन कुछ लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई थी, तो यहाँ पर जो मैं आपको बताऊंगा उससे आप सभी लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, तो आप वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखते रहिए। चलिए, यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ, आपको चले जाना है अपने फ़ोन की सेटिंग्स में। सेटिंग्स को यहाँ से कर लेना है आपको ओपन। इसके बाद आपको स्क्रॉल करना है, देखिए यहाँ पर अकाउंट्स एंड सिंक आपको दिख जाएगा, तो क्लिक करके आप में शायद सिर्फ अकाउंट होगा या ओनली सिंक का ऑप्शन होगा। एमआई का अगर आप फ़ोन करेंगे तो वहाँ पर सिंक सिर्फ ओनली सिंक रहता है, और वीवो के फ़ोन्स में अकाउंट एंड सिंक रहता है, तो अलग अलग फ़ोन में ये अलग अलग चीज़ लिख कर आता है, बट आप ओनली अकाउंट में भी जा सकते हैं या सिंक में भी जाके कर सकते हैं। तो इसे ओपन कर लेते हैं। अब यहाँ पर आपको आपका जीमेल सेलेक्ट करना है। तो मेरे फ़ोन में बहुत सारे ईमेल मैंने यूज़ किए हुए हैं, लेकिन आपके फ़ोन में हो सकता है एक या दो ईमेल हो या एक ही ईमेल हो, तो आपका जो भी प्राइमरी ईमेल है उस पर आप सेलेक्ट कर लीजिए। और यहाँ पर आपका ये जो कॉन्टैक्ट की सिग्नाइजेशन है ना सिंक, ये हो सकता है आपकी ऑफ हो गई हो, तो आपको इसे ऑन कर देना है। अगर ऑलरेडी ऑन है ये, तो देखिए ये तो अभी सिंक हो रहा है, अगर ऑलरेडी ऑन है तो यहाँ पर आपको सिंक नाउ पे क्लिक कर देना है, सिंक नाउ पे। अब यहाँ पर आप सिंक नाउ पे क्लिक करेंगे तो पूरा डेटा देखिए ये पूरा आ जाएगा, और उसके बाद यहाँ पर आपकी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। आपको प्रूफ भी दिखा देता हूँ मैं, ये तो देखिए मेरे जो जो नंबर थे यहाँ पर सब आ रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अगर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई है तो आप कमेंट में बताइए, मैं आपको उसका सलूशन बताऊंगा। वीडियो पसंद आई हो तो टेक्सोर को सब्सक्राइब कर दें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।